सो मूड अब बेहतर हो गया है मेरा। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, मगर आपको पता है कि आप पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग आउट विद योर फैमिली फॉर अ नाइस टाइम, तो रोड पे जो है ना पब्लिक आपका मूड ख़राब कर देती है, आपका एक्सपीरियंस तबाह कर देती है। सेम गोज़ फॉर व्हेन यू आर लीविंग पाकिस्तान। सो दिस इज़ सपोज टू बी अ वेरी शॉर्ट वीकेंड गेट अवे सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज आई एम नॉट गोना सी माई फैमिली फॉर अ वाइल। तो छोटी सी विंडो थी बीच में, तो मैं यार माइट इज़ वेल यूज़ इट इन अ प्लेस जो दोनों को आसान हो पहुंचने में। सो अब निकले हैं कराची से और सुबह जी वो क्या जी बैग खोलें आप, वो मैडम ने पता नहीं मेरे वो वर्कआउट वाले जूते स्नीकर्स के सोल में वो जेल होता है, तो उनको लगा पता नहीं क्या लिक्विड लेके जा रहा हूँ, तो वो जूते निकले फजूल की। अच्छा फिर वहाँ आगे गए एयरपोर्ट पे, तो एक तो हर बंदे ने ना टिकट पता नहीं क्यों चेक करना होता है। आई एम लाइक आई अंडरस्टैंड, अगर वो चेक करने वाले ना हो ना तो सारी आवाम अंदर हो एयरपोर्ट के, तो वो उसकी वजह से वहाँ रखा हुआ है। लेकिन फिर वो आगे जाके जब एक ने कर लिया टिकट चेक, एंटी नारकोटिक्स वाला मेरा टिकट देख रहा है फॉर नो रीज़न, और वो देख के मुझे बोल रहा है कि आप तो 4 दिन में वापस आ रहे हैं। तो मैंने बोला फिर व्हाट्स योर पॉइंट, मतलब मैं 4 घंटे में भी वापस आऊँ, व्हाट्स योर पॉइंट? आपका काम है देखना कि मैं कुछ पाउडर वाउडर तो नहीं लेके जा रहा, तो आपने देख लिया नहीं है तो फिर आई डोंट केयर इट यार। पाकिस्तान में ना एक 6-8 एजेंसीज़ वहाँ खड़ी होती हैं, कस्टम्स अलग होती है, ANF अलग होती है, ASF अलग होती है, FIA अलग होती है, राइट। ये तो वो हैं जो हमें नज़र आती हैं और पता नहीं कितनी वहाँ होती होंगी। बट लाइक द पॉइंट इज कि लोगों को हम तंग करें फजूल में, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे। यार दुनिया के किसी एयरपोर्ट में कभी नहीं पूछा। हाँ ऑस्ट्रेलिया में ये ज़रूर पूछा था कि लाए कितने हो, वो आप सब वो समझ आते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर डिस्करेज करते हैं कि बंदा यहाँ के भीख ही ना मांगे। जैसे मलेशिया की फ़्लाइट्स होती हैं तो पाकिस्तान में आपको बाकायदा पैसे चेक कराने होते हैं कि मैं इतना कैश लेके जा रहा हूँ, मगर ये कितनी करेंसी जा रही है, ये है वो है, 10,000 चीज़ें यार कसम खुदा की। सो वो सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद यहाँ आया। फिर अच्छा कतर का अलग मसला है, विज़िट इट्स ऑन अराइवल, मगर डिस्कवर कतर से आपने, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए समझने की ज़रूरी है। सो वी वांटेड टू बुक, सो आई वांटेड टू बुक दिस होटल्स ब्यूटीफुल फेयरमॉन्ट। मैं आपको भी थोड़ा रूम का टूर भी कराता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये आपके सामने नज़र आ रही है। मैं जब वर्ल्ड कप में आया था तो ये आधा बना था, उस वक्त पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, खुल गया था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आई विल स्टे हेयर, क्योंकि मैं यही करता था 2012 में अपनी नौकरी में बैठ के। मैं लंच ब्रेक पे booking.com पे रैंडम शहरों में जाके रैंडम होटल्स देखता था और मैं ड्रीम करता था मैं यहाँ भी ठहरूंगा, यहाँ भी ठहरूंगा, यहाँ भी ठहरूंगा। सो नाउ द टाइम हैज़ कम, राइट। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप। अच्छा यहाँ आए तो डिस्कवर कतर का ये सीन है भाई, जो लोग कतर आना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि विजिट वीज़ा पे ऐसे कि कतरी आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा, तो ये होटल डिस्कवर कतर एक इनका एक ऐप है और एक मतलब वेबसाइट है, उसके थ्रू अगर आप बुकिंग करेंगे तो वो आपका वीज़ा बनेगा। क्योंकि ये डिस्करेज करते हैं कि लोग आके अपने रिश्तेदारों के रहेंगे, मुल्क में पैसा नहीं लाएंगे, राइट। और उसमें मिनिमम 2 डेज़ का लेना होता है। अब मैंने ये बुक किया फेयरमॉन्ट, उसके डिस्कवर कतर के पोर्टल में नहीं था। सो डिस्कवर कतर में मुझे अलग से 2 दिन का फेक होटल तो नहीं कह सकते, आई हैव द बुकिंग, आई एम जस्ट नॉट गोइंग देयर बिकॉज मेरे पास जब ये है तो मैं $35 वाला क्यों लूँ। तो वो $70 वहाँ अलग खर्च किए। खैर वो मैं पाकिस्तान से करता हुआ ही आया था। काउंटर पे क्या उन्होंने बोला जी उसको प्रिंट आउट करा, मतलब अच्छा यहाँ पे भी ना कागज़ जमा कर रहे हैं कि जी वो लेकर आए हैं, प्रिंट आउट करा के और स्टैम्प करा के आए हैं। वो मैं फिर क्यू में था पूरा दिन और लाइक इतनी देर, सॉरी यार ये बार बार रील्स भेज रहे हैं दोस्त गंदी वाली। स्टैम्प करा के दोबारा क्यू में आया तो कह रही है जी कैप्टन से वैलिडेट कराएं। अच्छा जी कैप्टन कौन है? वो 20 नंबर काउंटर पे बैठे। मैं 20 नंबर काउंटर पे गया, आधा जहाज़ वहाँ खड़ा हुआ, मैं फिर पीछे चला गया। फिर मैंने वो एक स्टाफर को बताया कि यार ये सीन है, मैं 2 बार क्यू में लग चुका हूँ, अब 3री बार हूँ। तो वो मुझे GCC नेशनल वाली क्यू में ले गया। वहाँ गया, खातून ने बोला कि फिर इसको आपने कैप्टन से स्टैम्प नहीं कराया। मैंने बोला भाई फिर मुझे लेके जाए, मैं अब दोबारा क्यू में नहीं खड़ा हो रहा। सो शी टुक मी टू द फ्रंट। यार ये मैंने अभी सिम लिए और नेपाल से कॉल आ रही है, ये ना मुझे लगता है डेटा बिकता है बाकायदा स्कैमर्स के लिए ना, कि टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाना है। अभी मैंने सिम, अभी मेरी 1 घंटा हुआ आए हुए, नेपाल से कॉल आ रही है। एनीवे सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो उन्होंने बोला जी, कैप्टन ने बोला कि जी आपके पेपर में तो 2 दिन का वीज़ा है, ये आप कितने 2 दिन ठहरोगे? मैंने नहीं, मेरा तो 4 दिन की बुकिंग है फेयरमॉन्ट की। फिर उसने उधर देखा उधर देखा, मेरी शक्ल देखी, फिर पूछा 5 दिन का दे दूँ? मैं ला दे दें। फिर मुझे 3-4 काउंटर पे लेके गया कि इसको 5 दिन का दो। उसने इतना मुंह बनाया, उससे पूछा पाकिस्तानी है? उसने बोला हाँ। लाइक शी पुल्ड अ फेस मैन, मतलब यार खुदा की कसम मेरी शादी को 9 साल हो गए, मैं अभी तक ब्रिटिश नेशनल होता, पता नहीं मैंने क्यों पाकिस्तान में टाइम ज़ाया किया यार। दी सर ये मसले हैं ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक यू नो टेक्सटिंग माई वाइफ एट द सेम टाइम कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एंड शी इज़ लाइक वॉच मी क्रूज थ्रू दी इमिग्रेशन व्हेन आई कम आफ्टर 6 आवर्स। और ऐसे ही होता है, हाशिम निकल जाता है ऐसे ही करके, खली वल्ली टेंशन ही नहीं होती, बाप पीछे खड़ा होता है। यार कसम से यार ये बहुत बड़ा हमें डिसएडवांटेज है। एंड आई एम ऑलरेडी 41 नाउ। अब मैं कहीं जाके 6 साल रहूँ, 5 साल रहूँ, 8 साल रहूँ, फिर जाके यार ज़िंदगी इंजॉय निकल ही गई, सारी तो निकल चुकी होगी, फिर पीछे बचेगा क्या। सो इसीलिए कह रहा हूँ जो लोग 20-22 में सुन रहे हैं ना, 30 से पहले अपना पासपोर्ट सीधा कर दो ना, ये चुतियापे ही झेलते रहोगे पूरी ज़िंदगी। और भले 26 मुल्क देखें, ऑस्ट्रेलिया ने देखो नहीं दिया मुझे वीज़ा, खली वली चाहिए ही नहीं। और ये आने वाले वक्तों में उम्र भी बन कराएंगे, सब बन कराएंगे। सो या मैन आई वॉज सपोज टू हैव अ गुड टाइम, इट्स अ फकिंग ब्यूटिफुल होटल। और ये मूड है क्योंकि मुझे सुबह पाकिस्तान में अलग तंग किया, यहाँ आया यहाँ अलग तंग हुआ। लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ द रूम। ये छिछोरी हरकत है, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द व्यू राइट। आई एम ऑन द 11th फ्लोर। वो एक बीच है, उधर मरीना है। एंड सो दिस इज़ द होटल, ये तस्वीर में आपने देखा। दिस इज़ फेयरमॉन्ट, दिस इज़ राफल्स। एक ही ग्रुप का है तो उन्होंने एक ही में कर दिया है। सो दैट्स द बेड, ये एंट्रेंस है। वी हैव अ नाइस कॉफ़ी मशीन एंड एवरीथिंग। एंड देन दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट। सो यू गेट माई फ्रस्ट्रेशन राइट। इतने अच्छे टाइम के लिए अगर आप आए हो। दिस इज़ अ बाथरूम। यार इन्होंने लुलाबो की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, इमेजिन। एंड इट्स अ जापनीज़ टॉयलेट, सो लाइक खुद ही खुल जाता है। और वो उसका पूरा रिमोट है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हवा आ रही है नीचे से फॉर सम रीज़न। सो यू गेट माई पॉइंट गाइस। खुशी नहीं हो रही, वो चस नहीं आ रही क्योंकि मैं इतना रुलता हुआ आया हूँ। सो लाइफ में ना ये ख़त्म करना है कि माशाल्लाह माशाल्लाह गुड थिंग्स का एक्सेस है, मगर वो आप रुसे हुए आ रहे हो, तो ये नहीं करना ज़िंदगी में। पासपोर्ट सीधा कर लो भाई, इज़्ज़त कर लो, इज़्ज़त का ना एहतमाम कर लो ज़िंदगी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।